देखिए, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, घोषणा की, उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को देखा कि कांग्रेस वही काम कर रही है जो 2022 के चुनाव से, विधानसभा के चुनाव से पहले किया था। उस वक्त भी फॉर्म निकाले गए, 1500-1500 हर महिला को हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, 18 से 60 साल की महिलाओं को फॉर्म भरे गए। और फॉर्म भरने के बाद महिलाओं को बड़ी संख्या में गुमराह करने में वो कामयाब हुए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी तक 1500-1500 रुपये मिले नहीं। अब लोकसभा के चुनाव आ गए और लोकसभा के चुनाव से पहले ठीक बजट पास होता है। बजट पास करते वक्त कोई भी मद ऐसी नहीं है जिसमें इस स्कीम के लिए कोई बजट का प्रावधान किया हो। बजट पास होने के बाद अचानक मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये अप्रैल के महीने से देना हम शुरू कर देंगे। और उसमें एक फॉर्म बनाया गया जिसमें इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका फोटो, मुख्यमंत्री का फोटो, और उस फोटो के साथ फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। वीडियो ऑफिस, तहसील वेलफेयर ऑफिस और उसके साथ वीडियो, ये क्या नाम, पंचायत के प्रधान और लोक मित्र केंद्र, सभी जगह इस प्रकार के फॉर्म जो है वो उपलब्ध हैं। वहाँ से फॉर्म लेकर के भरने की प्रक्रिया शुरू की और बड़ी संख्या में महिलाओं को ला ला करके गाड़ियों में खड़ा करके उनके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की। अब जब आचार संहिता लग गई है, हमारा कहना है कि अब आचार संहिता के लगने के पश्चात आप ये फॉर्म इस प्रकार से नहीं भर सकते। पहली बात तो बजट में ही प्रावधान नहीं है, और बजट में प्रावधान नहीं है, आपने चुनाव से पहले घोषणा की, ठीक जैसे विधानसभा के चुनाव से पहले घोषणा की उसी प्रकार से फिर से एक प्रयत्न उस तरह से है। और इस संदर्भ में हमने अब चुनाव आयोग को आज शिकायत दी कि कृपा करके आदेश जारी करें कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, इस प्रकार से महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने की जो घोषणा करने के बाद जो है ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। दूसरी बात, हमने भी जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में अभी नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं की सरकार उनकी है तो उनके अभी तक होर्डिंग्स कई जगह लगे हैं। कुछ जगह तो डिप्टी कमिश्नर ने ये कर दिया कि भगवान रामचंद्र जी का होर्डिंग लगा था वो फाड़ दिए, राम मंदिर के होर्डिंग लगे थे वो फाड़ दिए, लेकिन नेताओं के फोटो वाले जो होर्डिंग जो लगे हैं, जो आचार संहिता को जो प्रभावित करते हैं, वायलेशन है वो आदर्श आचार संहिता का, उसके बावजूद भी वो कायम है। उसके संदर्भ में भी हमने आज अपनी बात कही कि उसको भी आप, उसके बारे में भी आप संज्ञान लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इन सारी बातों को लेकर के प्राइवेट सारे के सारे, ना हमारा पार्टी का किसी आदमी ने लगाया है, ना पार्टी का नाम है, ना पार्टी के नेता का, किसी अपने, किसी व्यक्ति ने अपनी आस्था के और श्रद्धा के हिसाब से वो लगाए हैं, और वो आचार संहिता का उल्लंघन है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से किया जा रहा है। इस बारे में हमने आज जो है यहाँ शिमला में चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन दिया है। सर, मुख्यमंत्री ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओपीएस रोकने की कोशिश हुई, हिमाचल में ओपीएस के लिए सरकार गिराने की कोशिश हुई और अब माता बहनों को आर्थिक मदद रोकने की कोशिश हुई। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी अब झूठ बोलना छोड़ दें, उनका झूठ एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ओपीएस अगर आपने लागू कर दी है, आपकी सरकार है, रोकने के लिए कौन कर रहा कोशिश उसमें? हमने एक शब्द नहीं बोला आज तक, ना हमारी पार्टी ने बोला। दूसरी बात, और ये महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने के लिए किसने रोक रखा था? ये ठीक चुनाव के दिनों में ही, चुनाव से पहले
और उनको मालूम है कि पहली किस्त भी हम जारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं जारी कर पाएंगे क्योंकि 1 अप्रैल से पहले कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, और कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। अब जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, कितना मजाक बना रहे हैं हमारी माताओं बहनों का, वो मातृशक्ति का है, गुमराह करके पहले झूठ बोल करके विधानसभा के चुनाव में यही किया, अब लोकसभा के चुनाव में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं, हमारी बात सिर्फ इतनी है। थैंक यू।